दिखाते हैं उधर पाट एरिया का इलाका किस टाइप से है, और वही इलाका में हम अभी आप लोगों को ले जाएंगे मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, जहां बॉक्साइट निकलता है और देश विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये रहा इटकीरी, इटकीरी और अभी हम जस्ट अभी देखना मुड़ेंगे इस, अब हम इटकीरी जैसे पार हुए और इधर देख सकते हैं, इधर कच्ची सड़क है और यही मेरा गांव का पहचान है, देख सकते हैं लाल यानी पठेर एरिया, पाट एरिया का रोड ही ऐसा रहता है। और हम इटकीरी पार कर चुके हैं और देख सकते हैं मेरा आगे ट्रक जा रहा है, अगर बाइक नहीं रहता तो हम भी ट्रक ही में सफर करते हैं गांव तक, और धूल इतना उड़ाएगा ट्रक अभी कहना ही नहीं। वैसे तो हेलमेट पहने है कोई दिक्कत होगा नहीं, पर गाड़ी लाल जरूर हो जाएगा, देख सकते हैं ट्रक। तो भाई लोग ये रहा नवा टोली, और इधर देख सकते हैं लोगों ने बना रखा है इधर होटल उटल, तो इधर भी जलप्रपात उलप्रपात है पाट साइड भी, तो इधर से आ सकते हैं घूमने उमने। तो इधर तो गाइस हम अभी हैं नवा टोली में, और नवा टोली में टाइम देखते हैं 1:40 हो रहा है, और गांव पहुंचते हैं कितना देर में, तो अभी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आगे देख सकते हैं मेरा जस्ट आगे विशाल पहाड़ है और हमको उसी में चढ़ के जाना है गांव, तो अभी राइड करते हुए जा रहे हैं। और इधर ज्यादातर लोग 10-15 किलोमीटर पैदल ही चलता है, तो अब मेरा पहले हम भी चलते थे जिससे गांव से आते थे घाघरा पैदल, तो आज थोड़ा थोड़ा स्थिति सुधरने के कारण बाइक उक तो आ गया, पर शायद अभी भी बहुत लोग पैदल आता है। तो इधर का लाइफ स्टाइल कुछ इस प्रकार से रहता है, और इधर का खेत खलिहान एकदम मड़ुआ उड़ुआ खेती उती करता है, अभी तो कट चुका है और हो सके कैमरा में नजर ना आए, पर हम तो पूरा चारों तरफ का व्यू का नजारा का एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हमको नेचर से बहुत प्यार है और हमको घूमना फिरना पहाड़ में बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम अकेले निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए जब मेरा मूड खराब हो जाता है या तो मन नहीं लगता है किसी चीज में, तो अभी देख सकते हैं। और हम आज निकल गए हैं, नया साल का आखिरी दिन है यानी 31 तारीख, यानी 2023 का आखिरी दिन है 31 तारीख, और हम निकल गए हैं घर के लिए। तो इधर का व्यू कुछ इस टाइप से दिख रहा है, और आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा इधर किस टाइप से है। ज्यादा स्पीड तो यहाँ नहीं चला सकते, फिसलने का डर रहता है, यानी धूल बालू वाला रोड है, पक्की रोड तो है नहीं, कच्ची सड़क है, धूल उल उड़ते रहता है और पता नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा है क्या है, फिसलने का डर रहता है, बरसात जैसे धूल में भी फिसल जाता है। बहुत बार न्यू राइडर यही सब गलती करते हैं, नया इलाका में एकदम स्पीड में चलाते हैं और कुछ दुर्घटना हो जाता है। तो हम तो इधर आ जा चुके हैं कई बार, तो हम तो थोड़ा संभल के चलते हैं, हमको पता है कहाँ क्या है क्या नहीं है। अभी देख सकते हैं लपसर पहुंच गए हैं, और लपसर पहुंच चुके हैं, और इधर देख सकते हैं लपसर गांव का कुछ इस प्रकार से व्यू है, और इधर विशाल पहाड़ दिखाई दे रहा है, और एकदम जस्ट थोड़ा थोड़ा दूर में ही पूरा गड्ढा है। तो हमको बोलने में तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, रास्ता में ध्यान दे या मोटो ब्लॉगिंग करते जाए, रास्ता एकदम बिल्कुल ही खराब है इधर। और एक चीज बोलना चाहते हैं, जहां यानी कच्चा माल का भरपूर मात्रा पाया जाता है वहां गरीबी रहता ही रहता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में सोना निकलता है, यानी वहां सोना का खदान है फिर भी वहां बहुत गरीबी है, जहां खनिज संपदा भरपूर रहता है वहां डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है, पता नहीं क्यों पर डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है। इसका रीजन हो सकता है अगर लोग जागरूक हो जाए या डेवलपमेंट का सरकार व्यवस्था कर दे तो वहां से खनिज को निकालने ही नहीं देगा, तो हो सकता है ये कारण हो सकता है, जहां खनिज संपदा ज्यादा रहता है वहां गरीबी भी ज्यादा देखने को मिलता है। सेम हालत हम लोग साइड भी है, जहां बॉक्साइट भरपूर मात्रा में निकलता है और वही बॉक्साइट देश विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है, पूरा इंडिया में झारखंड से ही किया जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा जो लोग थोड़ा बहुत भूगोल या फिर पढ़े होंगे सामान्य ज्ञान, तो झारखंड का यही सरेंगदाग एरिया है और कुछ कुछ है इधर बिशुनपुर साइड, तो हम भरपूर मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है और निकाला जाता है। हम देख सकते हैं जस्ट मेरा आगे ट्रक है, यही ट्रक से बॉक्साइट लिया जाता है इधर लोहरदगा, लोहरदगा से उधर आप लोगों को ट्रेन से पहुंचाया जाता है फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से कच्चा माल को पक्का माल बना के देश विदेश एक्सपोर्ट किया जाता है। पर इधर देख सकते हैं कई साल से इधर बॉक्साइट निकाला जा रहा है पर अभी तक रोड नहीं बना है, और क्या चीज, हाँ मतलब अभी पाठ चढ़ेंगे पूरा, हाँ घर जा रहे हैं,
पूरा पाठे चढ़ेंगे। बाप रे, इधर तो तीन गियर मुश्किल से लगे। नहीं, गुमला में रहते हैं तो अभी तो हम पढ़ाई लिखाई चल रहा था, तो अभी नया साल मनाने जा रहे हैं घर। ओ, कहाँ रहते हैं? चैनपुर। टिकेट कौन जगह? यानी वो अथी? हाँ, देखे हैं। ओ अच्छा, आप वही काम करते हैं? काम करते हैं? अच्छा, इधर का रोड इतना कबाड़ी। ओ अच्छा, मेरा गांव कचकी पॉइंट टोली। कचकी कचकी सुने होंगे उधर? हाँ, यानी जहाँ निकल रहा है खनिज उनिज, रोड उड बना दिया, यानी आदमी शिक्षित हुआ तो समझ रहे, दिक्कत हो जाएगा। एक ही को बाजार लगता है इधर, यही वाला पूरा पार्ट साइड का आ जाएगा। यहीं पर मेला लगता है, श्रृंगदाग मेला। टावर तक है वो ना? हाँ हाँ। ओ ओ हाँ, कुछ हो गया या? हाँ, उधर से घूमते हुए। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए, हम आइए रहे थे। नहीं नहीं नहीं, 50 दीजिए दूसरा। नहीं नहीं, ठीक है सर, जाते हैं तो सर। तो गाइस, एक सर भेटा गए थे बीच पहाड़ में और उसको हम ड्रॉप कर दिए यहाँ तक अपना ऑफिस तक। तो अभी पैसा दे रहे थे हमको, हम तो लेना नहीं चाह रहे थे, पर अब दे दिए तो ले लिए। गाइस, अभी देख सकते हैं माइंस इलाका में पहुंच गए हैं, कैसे इधर बुकसाइड निकाला गया है। तो गाइस, पहाड़ी इलाका को क्यों स्वर्ग कहते हैं, इधर देख सकते हैं कैसे इधर का व्यू है। देख सकते हैं किस टाइप से सामने पहाड़ी है और इधर नीला नीला पीला पीला फूल लदा हुआ है।